खकनार में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन साई मंदिर के सभागृह में किया गया, जहां विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1000 कांग्रेस कार्यकर्ता सभा में आए, जिसमें पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने शिवराज सरकार पर जमकर तीखा हमला किया। भाजपा के प्रत्याशी सुमित्रा काजरेकर पर भी तंज कसा। इसके अलावा 9 भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। वहीं प्रत्याशी रामकिशन पटेल ने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया, मैंने वर्षों से कांग्रेस की सेवा की है, जिसके चलते इस बार अगर मैं चुनाव हार जाता हूँ तो मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। देखिए, ये चुनाव केवल नेपा नगर नहीं, 27 जगह ये चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, और आप देख ही रहे हैं कि इतनी तादाद में जो साथी हमारे कृतित्व हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि हमारे उम्मीदवार रामकृष्ण पटेल और कांग्रेस पार्टी केवल नेपा नगर नहीं वरन पूरे 27 सीटों पर हम लोग जीतेंगे, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास बार बार देश में किया जा रहा है, और चुनौती ये है कि जिन लोगों ने धोखा दिया है, हमको नहीं, पार्टी को नहीं, इस क्षेत्र के मतदाताओं को भी धोखा दिया है, उनको सबक इस बार हम नहीं, जनता सिखाएगी। सबसे बात हो गई है, कोई राजी नाराजी नहीं, हमारा पारिवारिक मामला है, सबसे बैठकर बात कर ली हमने और सब लोग मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे। धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बुरहानपुर से उमेश मावस्कर की रिपोर्ट।